बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज का व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही थी अपनी तैयारी को दिखाते हुए। ये व्लॉग मेरा काफ़ी पुराना हो चुका है, मतलब कि ये इतना पुराना है कि ईद के दूसरे दिन का व्लॉग है। जब हम जो है शाम के टाइम में और बच्चे ज़रा तैयार श्यार हुए थे, हमने कहा अपने आप को ज़रा फील तो करवाएं कि ईद है, और ना आगे पीछे तो अरसा ही हो गया है हमें तैयार हुए हुए। और ईद के दूसरे दिन की शाम को हम लोग ज़रा तैयार श्यार हुए थे, और फिर हमने तैयार होकर हमने कहा चलो पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। वो कहते हैं ना, इस वक्त मेरे दिमाग में वही गाना आ रहा था, वो मैं बाल बनाऊँ किसके लिए, नए कपड़े पहनूँ किसके लिए। तो कभी कभार किसी के लिए हम कुछ भी ना करें, क्यों करें हम किसी के लिए, हम अपने लिए भी तो तैयार हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी अपनी बैंगल्स, जो कि मैं नई बैंगल्स हैं ये, और मैं ख़रीद के ख़ास तौर पे अपने लिए लाई हूँ, और मुझे इतनी को ये प्यारी लगी है। और यार मुझे अब याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कांच की चूड़ियाँ ये इस तरह करे बैंगल्स कब पहनी थी, मुझे याद भी नहीं। बहुत अरसे के बाद मैंने इस तरह हाथों में बैंगल्स पहनी हैं, वो भी इतनी ढेर सारी। और यहाँ पे जनाब अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के ब्लॉग में क्या है। वैसे थंबनेल से तो आप लोगों को अच्छे से मालूम हो ही चुका होगा, छोटी सी हमने पार्टी की थी, बारबेक्यू पार्टी अपने घर में। वही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए ही तैयार हो, कोई आए या कहीं आप जाएं, जब भी आप तैयार हो अपने आप को खुश करने के लिए भी आप तैयार हो सकते हैं, पिक्चर्स विक्चर्स ले सकते हैं, और उसके अलावा अपने आप को और अपने बच्चों को भी खुश करने के लिए आप पार्टी वाल्टी अरेंज कर सकते हैं घर में। तो इसी तरह बस जनाब हम लोग तैयार श्यार हुए और पिक्चर्स विक्चर्स ली, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, जब बारबेक्यू का टाइम आया तो हम लोगों ने सब ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, और उसके बाद जो है बस हमने छोटी सी बारबेक्यू जो है उसका अरेंज किया था। बाहर मैंने कारपेट वगैरह बच्चों को बिछा के दी, बाहर गैराज में हमने सारा अरेंज किया था, क्योंकि वहाँ पर पंखा भी लगा हुआ है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, पंखे के बगैर तो कोई काम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए गैराज में मैंने जो है छोटी सी पतली सी कारपेट है रख है वो मैंने डाल दिया था, और वहाँ पे बच्चे आराम से बैठ गए थे। छोटी सी अंगीठी है हमारे पास, जितने छोटे बच्चे हैं नन्हे मुन्ने से उतनी नन्ही मुन्नी सी अंगीठी थी, और ये अंगीठी मेरी बहुत पुरानी है, लेकिन हमने कभी भी इसको मौका ही नहीं मिला कि हम कभी यूज़ करते। तो बस जनाब यहाँ पर बच्चे जो हैं कोयले तोड़ रहे थे, क्योंकि कोयले बहुत बड़े साइज़ के थे। यहाँ पर थोड़े से गोश्त के टिक्के थे, जो कि उसमें मसाला लगा के पपीता लगा के मैंने एक रात पहले रख दिया था। साथ में गोश्त के टिक्के थोड़े कम थे, तो साथ में मैंने चिकन भी ऐड कर लिया था, चिकन पर भी मसाला वगैरह लगा के वो भी रखा हुआ था। तो बस जनाब यहाँ पर अभी जो है मिट्टी का तेल मैंने डाला, तीली डाली, और साथ में आग लगा दी, और उसके बाद बच्चे बैठ के सीखों पर टिक्के वगैरह चढ़ा रहे थे, और फिर सारा अरेंज उन्होंने ही किया, सारा काम उन्होंने किया। बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये जो आँख लग रही थी ना, इस पर एक बहुत ज़्यादा टिकटॉक पर एक वीडियो वायरल हुई हुई है, वो ये कि एक दोस्त जो है बारबेक्यू मतलब के दोस्त कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि आग नहीं लग रही, आग नहीं लग रही। तो दूसरा दोस्त कहता है कि यार फूफो को कॉल करो, फूफो का नाम ही लिया जाता है तो एकदम आग लग जाती है, और इतनी ज़बरदस्त आग लगती है। मतलब कि यार मैं कहती हूँ कि ये रिश्ता ऐसा है, ये नाम ऐसा है कि बस नाम ही काफ़ी है, वही कहते हैं नाम ही काफ़ी है। लेकिन ओवरऑल हम एक बात है कि फूफियाँ कितनी भी अच्छी हो जाएँ, लेकिन हमारे माशरे में एक ये चीज़ है कि जो चीज़ बदनाम हो जाती है वो कितनी भी अच्छी बन के आपके सामने आ जाए वो बदनाम ही हो रहेगी, वो कभी अच्छी नहीं बन पाएगी। सारी फूफियाँ बुरी नहीं होती हैं, 100% फूफियाँ बुरी नहीं होती हैं, और लेकिन वही बात है कि माशरे में एक चीज़ ये एक रिश्ता ये बदनाम हो गया है कि फूफियाँ बुरी होती हैं। तो बस हर बंदा यही कहता है कि फूफियाँ जहाँ तीली लगानी हो, जहाँ आँख लगानी हो, जहाँ फसाद हो, वहाँ फूफियों का ही काम होता है, उन्हीं का हाथ होता है। ओवरऑल यार ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। मेरा कभी कभार बहुत दिल चाहता है कि मैं इस टॉपिक पर तफसील से एक व्लॉग बनाऊं, बात करूं, लेकिन डर भी बड़ा लगता है कि यार आगे पीछे से कहीं रिएक्शन ना आ जाए। आप लोगों के ख़ानदान में अच्छी वाली फूफियाँ, आप लोगों की अच्छी वाली फूफियाँ पाई जाती हैं या आँख लगाने वाली फूफियाँ पाई जाती हैं, ज़रूर बताएंगा। चुपके से मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा कि आपके यहाँ कौन सी वाली फूफियाँ पाई जाती हैं। मैं किसी को नहीं बताऊँगी, ये ना हो कि कहीं आप लोगों पर भी रिएक्शन तारी हो जाए, आप लोगों पर रिएक्शन नज़र आना शुरू हो जाए आपकी फूफियों का। तो यहाँ पर जनाब थोड़े से हमने टिक्के बनाए थे, उसके बाद कोयले जो हैं वो बुझना शुरू हो गए थे, तो मैं मज़ीद कोयले उसमें डाल के और
उनको चला रही थी, आग भड़का रही थी और भड़काने का काम भी वैसे ख़ानदान में कुछ लोगों का होता है। यहाँ पे जो तक्के बन चुके थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, उनको दाल के मैंने दे दिया था, बच्चे केचप भी खा रहे थे, साथ में चटनी भी बना ली थी, पेप्सी तो होती ही है ऐसे मौक़ों पे। और किस किस ने बायकॉट किया हुआ है कोक और सेवन अप इन चीज़ों का, पेप्सी वगैरह का, हम लोगों ने भी किया हुआ है। ज़्यादातर हम लोग नेक्स्ट पी रहे हैं या फिर गुड़ में पी रहे हैं, जो पाकिस्तानी ब्रांड है, हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। आप लोग भी कर रहे हैं, बायकॉट किया है या नहीं किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। ईद ख़त्म हो गई, खा लिया पी लिया, पैसे मुक गए हैं। अभी जो है बहुत मज़ेदार किस्म के आगे जो है व्लॉग्स आने वाले हैं, और ये वो व्लॉग्स हैं जो आने वाले हैं जिसका मुझे लगता है पूरे ख़ानदान को बहुत ज़्यादा वेट होगा उन दिनों का, उन व्लॉग्स का। तो वो कौन से व्लॉग्स हैं, वो कौन से दिन हैं, बहुत जल्द आप लोगों को भी पता चल जाएगा। आज के व्लॉग में यहीं तक के लिए इजाज़त लेती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।